दोस्तों, आप सभी आज अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देशों की हालात यहाँ तक खराब है कि लोगों को इस महामारी के चलते खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। कोरोना ने अब तक 2,10,00,000 लोगों को अपना शिकार बना लिया है और विश्व में इससे करीब 7,48,000 लोगों की मौतें हो चुकी है। सबसे ज्यादा रिकवरी रेट इटली और स्पेन में देखने को मिली है। दोस्तों, आपको याद होगा जब कोरोना शुरू ही हुआ था, इटली इसका गढ़ बन चुका था, लेकिन वहां की सरकार की कोशिशें और नागरिकों की समझ बूझ से ये अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। लेकिन भारत, अमेरिका और ब्राजील में हालात अब भी बहुत खराब है। अमेरिका में करीब 1,70,000 लोग अपनी जाने गंवा चुके हैं, वहीं भारत में अभी तक 47,000 लोग अपनी जाने गंवा चुके हैं। लेकिन अब शायद हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत ही अच्छे मित्र देश ने कोरोना वायरस का वैक्सीन बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, रसिया, जो कि भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, उसने कोरोना वायरस का वैक्सीन बना लिया है। वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब वैक्सीन बन गया तो उसे अपनी बेटी पर सबसे पहले टेस्ट किया और वे टेस्ट सफल हुआ। लेकिन WHO का कहना है कि ये वैक्सीन उनके पूरे पैरामीटर को पास नहीं करता है। वही रसिया कहता है कि उन्होंने इससे टेस्ट किया है और ये वायरस पर पूरी तरह काम करता है। कुछ हफ्तों पहले जब हमने पहली बार ये सुना था कि रसिया ने कोरोना का वैक्सीन बना लिया है, तब बहुत लोगों ने मान लिया था कि वैक्सीन नहीं बना, लेकिन इस बार रशिया ने इसकी पुष्टि कर दी है। इसका ह्यूमन ट्रायल राष्ट्रपति ने अपनी बेटी पर करवा कर इसकी पुष्टि की है, और शायद अगले कुछ महीने में ये वैक्सीन भारत में भी आ जाए और हम लोगों की जिंदगी पहले की तरह खुशहाल बन जाए। अगर ऐसा होता है तो रूस इतिहास रच देगा और हमारे देश भारत को इसका फायदा होगा। भारत और रूस की दोस्ती कई सालों पुरानी है और समय पड़ने पर दोनों देशों ने एक दूसरे की मदद की है। अब वो दिन दूर नहीं जब आप पहले की तरह आजादी से घूम सकेंगे, जहां मन चाहे वहां जा सकेंगे। आप इस वैक्सीन के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।